नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरफैक्ट यूट्यूब चैनल। सक्सेस इतने कमाओ कि अपने घर वाला भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। एनिमल मूवी अब बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इस फिल्म इतना ज़्यादा कमाली है कि आपके सोच से भी बाहर हो चुका है। और इस मूवी में जमल गुड जो सॉन्ग है वो सारे रील्स पे यूज हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक सिनेमा है और इस जमल गुड सॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आ रही है कि सनी देओल, बॉबी देओल के बड़े भैया, उन्होंने अपने घर पे क्रिसमस बनाया और उसका वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ऑफिशियल अकाउंट पे पोस्ट भी की। उस वीडियो पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और बैकग्राउंड में जो सॉन्ग चल रहा है वो है एनिमल मूवी का जमल कुडू सॉन्ग। ये बॉबी देओल के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खास बात होगी क्योंकि बॉबी देओल इस एनिमल मूवी पे इतना अच्छा परफॉर्म की कि सारे लोगों का आंखें खुला का खुला ही रह गया है। और बॉबी देओल अपने सारे लाइफ में जितने भी फिल्म की है सबसे ज़्यादा पैसा इस मूवी ही कमा ली है। सेम बात रणबीर कपूर के साथ भी है क्योंकि रणबीर कपूर भी अपने ज़िंदगी में जितना फिल्म की सबसे ज़्यादा कमा ली है इस मूवी, मतलब कि एनिमल मूवी। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस पूरे मूवी वायलेंस पे भरा हुआ है, लेकिन इस पूरे मूवी का कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी है और डायरेक्टर के यानी कि संदीप रेड्डी भंगा के हिसाब से, स्टोरी लाइन के हिसाब से कुछ वायलेंस दिखाना पड़ ही जाता है। रश्मिका मंदाना भी इस मूवी में बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करी है। लेकिन इस क्रिसमस के समय सनी देओल का इस सॉन्ग के यूज करते हुए अपने इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट पे इस तरह से पोस्ट देखकर पब्लिक का दिल खुश हो गया क्योंकि अपने भैया का सक्सेस देखते हुए वो भी अपने आप को रोक नहीं सका। इस साल पूरे देओल फैमिली के लिए एक बहुत ही बढ़िया साल गया है क्योंकि गदर 2 और एनिमल मूवी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पा ली है और बॉक्स ऑफिस में इंडिया और ओवरसीज मिलाकर एक बहुत ही बड़ी रकम इनकम कर ली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।